सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है उस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई नॉर्मल सी कोई भी रनो का सर्विस सेंटर नहीं है, तो फिर आप इस गाड़ी को प्रेफर मत करना, क्योंकि जैसे मारुति महिंद्रा ये सब है कि कोई भी बना लेता है, इस गाड़ी के साथ वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सेवन सीटर है तो ये नहीं कि नाम की ही सेवन सीटर हो। हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। भाई पूरे 2 महीने हो चुके हैं हमें कोई भी वीडियो बनाए हुए, और आज हमारे पास टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, ये तो चीपेस्ट सेवन सीटर भाई, हम तो मोस्ट एक्सपेंसिव सेवन सीटर की बात करने लग गए थे। तो आज भाई हमारे पास ऑल द न्यू रेनो ट्राइबर RX3। तो भाई जोक्स असाइड, चीपेस्ट भले ही है पर बहुत सारी इसमें अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां भी हैं, तो आज हम इसकी बात करने वाले भाई प्रोज एंड कॉन्स की। ये अपना ट्राइबर का RX3 वेरियंट, ट्राइबर में टोटल 4 वेरियंट्स आते हैं, RXE, RXL, RXT एंड RXZ, जिसे लोग RXZ भी बोलते हैं। तो भाई ये है अपना RXT, मतलब आप इसे कह सकते हैं इसका सेकंड टॉप वेरिएंट। तो इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, कुछ अपडेट्स आते रहते हैं धीरे धीरे कंपनी करती रहती है। ये अपनी 2020 नवंबर की गाड़ी, और इसमें एक काफी अच्छी चीज ये है कि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा चल चुकी है। बहुत ज्यादा क्या मतलब, जैसे लोग कहते ना कि रेनो की गाड़ियां भाई 25,000 चलने के बाद, 50,000 चलने के बाद सस्पेंशन का काम मांगती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इंजन में भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आप देख सकते हो भाई ये गाड़ी अपनी चली हुई है 92,578 किलोमीटर। तो भाई मोटा मोटा अपनी गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इसमें अच्छाइयों और बुराइयों की, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं भाई कार के प्रोज से। तो भाई इसमें जो सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है उस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई नॉर्मल सी हैचबैक ही गाड़ी मिलती है, मतलब ये बलेनो वलेनो आप ले लो, अल्ट्रोज वगैरह ले लो, कोई भी कंपनी आपको एक सेवन सीटर कार ऑफर नहीं करती है, जो कि आपको रेनो ट्राइबर में वो चीज देखने के लिए मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, और ऐसा नहीं कि भाई सस्ती मिलती है तो इसमें कोई फीचर नहीं है या फिर इसमें कोई अच्छाइयां नहीं है। देखो इसमें जैसे आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है देखने के लिए, सामने आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो गाड़ी देखने में काफी सही लगती है। उसके अलावा यहाँ पे अपने रूफ रेल्स वगैरह मिल जाते हैं, और भाई पता है ये रूफ रेल्स जो है ये फंक्शनल है, इसमें आप अपना सामान लोड कर सकते हो, ये नहीं कि बस ये देखने के लिए दिए गए। तो ये भाई इसमें अच्छाई काफी ज्यादा है कि 10,00,000 के अंदर अंदर अगर आपको एक सेवन सीटर गाड़ी चाहिए तो वो आपको रेनो ट्राइबर ऑफर कर देती है। भाई इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी अच्छाई है वो है इस गाड़ी का स्पेस मैनेजमेंट। भाई ये जो सेवन सीटर है तो ये नहीं कि नाम की ही सेवन सीटर हो या फिर इसमें आपको बैठने में दिक्कत हो। ड्राइविंग सीट अभी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले चलते भाई कार के रियर में। देखो ऑलमोस्ट 90 डिग्री इसमें आपको ओपनिंग डोर मिल जाते हैं, उसके अलावा लेगरूम आप एक बार देख लो। हेडरूम की बात करें तो भाई हेडरूम देख लो, अंडर साइड सपोर्ट देख लो, यहाँ पे जो हम्प होता है भाई गाड़ियों में, कई गाड़ियों में ऊंचा दिया होता है तो बीच में कोई बंदा बैठ नहीं पाता है, इसमें भाई आपको हम्प देखो एकदम कम दे रखा है ताकि 3 बंदे बीच में एकदम आराम से इसमें सेट हो जाए। उसके अलावा आप इस वाली सीट को भी यहाँ से ऐसे ये देखो ये कुछ इस टाइप से भाई ऐसे रिक्लाइन कर सकते हो और रिक्लाइन करके सो जाओ। सेम चीज भाई अपनी इस वाली सीट के साथ ही है। तो ये है भाई कि इस गाड़ी में आपको स्पेस मैनेजमेंट और कंफर्ट दोनों ही चीजें काफी अच्छी ऑफर कर दी जाती हैं। उसके अलावा भाई अगर हम बात करें कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई हम हैचबैक ले लेंगे तो उसमें बूट स्पेस मिल जाएगा, पर इसमें बूट स्पेस नहीं मिलेगा। अगर भाई आप 5 सीटर कार लोगे तो कितना ही आप बूट स्पेस पा जाओगे, आप 5 बंदे बैठो देखो कितना ज्यादा इसमें आपका बूट स्पेस है, मतलब सबसे ज्यादा बूट स्पेस आपको इसी गाड़ी में ही मिलने वाला है। बाकी ये बढ़िया चीज रखी हुई है, चलो इसे रख देते हैं भाई साइड में। तो हाँ, लेकिन हाँ ये है कि भाई जब आप थर्ड रो इसमें अप कर दोगे तब आपको बूट स्पेस कुछ खास देखने के लिए इसमें नहीं मिलने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रो नंबर 3, मतलब तीसरी अच्छाई भाई इस गाड़ी के। एक बार आप लुक्स देखो, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई बहुत छोटी सी, जैसे इसके पहले अपने पास आती थी ना डैटसन गो प्लस, वो सेवन सीटर के नाम पे कलंक, तो वो चीज भाई इसमें नहीं है। इसमें जो आपको लुक मिलती है वो एक भड़कीली सी लुक मिलती है। अल्टिगा के सामने आप खड़ी कर दो तो आपको समझ में आएगा, देखो ये यहाँ पे ट्राइबर खड़ी हुई है और वो वहां पे इनोवा खड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई आपको लुक्स कुछ खराब लगते हैं, इस कार के लुक्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं। और सबसे बड़ी अच्छाई भाई इस गाड़ी की है, जो इसमें सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है वो है कि ये गाड़ी है भाई अपनी इंडिया की सेफेस्ट सेवन सीटर। मतलब भाई इसमें आपको मिलती है 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग, और ये ऐसे सिर्फ नाम मात्र की नहीं है, ये भाई सच है, क्योंकि मेरा पर्सनली रेनो ट्राइबर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, आप मेरे चैनल पर भी चेक कर सकते हो, या मेरी गाड़ी पूरी टोटल लॉस हो चुकी है, पूरी गाड़ी ऐसे बेंड हो गई थी। पर ठीक अगले दिन क्या भाई, मैं 12-13 घंटे के बाद ही हॉस्पिटल से निकल आया, सिर्फ मेरे हल्की सी चोट आई थी। देखो यहाँ पे ऐसे नाक के ऊपर ये आज भी दाग पड़ा हुआ है, बस ये चोट थी और कोई चोट नहीं था। और कोई भी गाड़ी होती ना भाई, आई बेट इंसान मर गया हो, तो आप गाड़ी के मेरे वाले गाड़ी की आप हाल देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिटरली कोई भी इंसान जो भी गाड़ी देखता है वो यही कहता है कि भाई इसके अंदर जो भी रहा होगा वो मर ही गया होगा।
पर भाई ये गाड़ी सेफ है, ये चीज तो मैंने खुद देख लिया है। तो भाई सबसे बड़ी चीज है कि कार आपकी सेफ है, फैमिली के लिए अच्छी है, 7-सीटर मिल जाती है, कंफर्ट मिल जाता है, लुक्स अच्छे मिल जाते हैं। पर अब बात करते हैं भाई कार में कमियों की, कि इसमें आपको क्या क्या कमियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो अच्छा ये भाई बहुत सुन ली है, कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि अब आप इसकी बुराइयां सुनने वाले हैं। कौन सी बात करें भाई, सबसे पहली इसमें आपको दिक्कत मिलने वाली है कार में बिल्ड क्वालिटी की, मतलब कार की जो चद्दर है वो देखो कितनी, ये तो देख रहे हो ये। तो भाई अभी आपने सोचा होगा कि अभी तो मैंने बोला गाड़ी सेफ है, पर भाई एक चीज आपको समझाता हूँ, सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। सेफ्टी अलग चीज है, बिल्ड क्वालिटी अलग चीज है। बिल्ड क्वालिटी है कि कार के ये जो चद्दर है ये कितनी मजबूत है, मतलब ये दब रही है या फिर नहीं दब रही है, ठीक है। और जो अपनी बिल्ड क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कार के क्रम्पल जोन्स पे, कि गाड़ी जब आपकी लड़ती है तो कितना इम्पैक्ट आपके अंदर तक पहुंच पाता है। तो बिल्ड क्वालिटी भाई कार की खराब है, अगर आप इसमें टिक के पीछे साइड खड़े भी हो जाओगे ना तो कार में डेंट पड़ जाएगा। सच में ये कार आज तक पीछे से कभी भी टच नहीं हुई है, पर देखो सिर्फ जैसे डिग्गी खोला, डिग्गी खोल के यहाँ से बंद किया, अब आप यहाँ पे देखो, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे इसमें डेंट पड़ चुका है, इसमें अंदर यहाँ पे कोई बोल्ट होगा, यहाँ से बाहर आने लग गया। तो भाई कार की बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा आपको निराश करेगी। अगर इसमें आके कोई छोटा सा कुत्ता भी लड़ गया ना गलती से आपकी गाड़ी में, तो अच्छा खासा आपको गाड़ी खर्चा दे देगी। बात करें भाई इसके सेकंड निगेटिव या सेकंड कॉन्स की, तो भाई इसमें जो इंजन मिलता है वो है 1000 सीसी का एनर्जी इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है अपना अराउंड 71 bhp एंड 96 Nm ऑफ टॉर्क। तो पावर फिगर की बात करें तो भाई ये आपको कम लग सकते हैं, क्योंकि 71 bhp और 96 Nm के टॉर्क में ये गाड़ी 7 बंदे खींचेगी कैसे। पर देखो यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह दे रखा है, पर जो कौन सी बात है ना, ये जो इंजन है ये बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं है। तो एक बार मैं आपको कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो सुनना आवाज, तो देखो तो ये जो इंजन है भाई ये अपना रिफाइंड नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा आरपीएम इसमें लेना पड़ता है तब जाके गाड़ी अपनी थोड़ा सा पिकअप बनाती है। पर हाँ ये कि जब अगर आप इसे बहुत आराम आराम से चलाओगे तब कोई खास इसमें आपको वाइब्रेशंस भी फील नहीं होंगी, मतलब एक तरह से आप ये मानो कि आप लगभग 80 की स्पीड को आप इस गाड़ी की मैक्सिमम मान के चलो, 80 से ऊपर आप गाड़ी को चलाओ ही मत, तब ये गाड़ी आपको सही लगने वाली है। उसके बाद बात करें इसके तीसरे निगेटिव की, तो इस कार में आपको थोड़ा बहुत रस्टिंग इश्यू भी फेस होने वाला है, तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, अरे बस गऊ माता, ये देखो, देख रहे हो इस कार में रूफ में कई जगह पे डेंट है। अभी तो कार गंदी है और कुछ उस हिसाब से साफ नहीं है, तो इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, पर जो मेन सबसे पास में है आप इसे देख लो, तो इस कार में भाई अपना रस्टिंग इश्यू भी है। अगर आप भाई मुंबई वगैरह के रीजन से हैं या फिर जहाँ पे पानी थोड़ा खारा होता है, अगर आप उस तरफ से कहीं से भी हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए एक सरदर्द बन सकती है, क्योंकि इसमें रस्टिंग इश्यू फेस होगा और आपकी गाड़ी देखते ही देखते कुछ टाइम बाद खत्म होने लग जाएगी। तो कुछ ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है भाई गाड़ी में। के बाद भाई बात करें इसमें हमें चौथे निगेटिव की, जो कि कोई खास निगेटिव नहीं है पर फिर भी आप मान लो, इसमें जो क्वालिटी ऑफ इंटीरियर है इसे इंक्रीज थोड़ा बहुत किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे अगर फैब्रिक दे देते तो अच्छा होता, एक आर्मरेस्ट अगर एक सिर्फ इस साइड पे भी हो जाता तो भी ठीक था, पर अभी भी जो ड्राइवर आ रही है उसमें जो सबसे इसका टॉप वेरिएंट है उसी बस में आपको मिलता है, मतलब RX-Z में ही आपको यहाँ पे मिलता है आर्मरेस्ट, और को ड्राइवर साइड उसमें भी आपको नहीं मिलता, RX-T में तो नहीं मिलता है। बाकी देखो अगर आप अंदर से देखो तो यहाँ पे कोई आपको वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है, यहाँ पे मिल जाता है। और एक चीज आपको भाई इस गाड़ी में जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो पसंद आने वाला नहीं है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा वो रहना, जब आप फुल कर दोगे ना तो बेस को हाई करेगा, पिच को लो करेगा, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स फिर अपने आप में देने लग जाता है, तो वो भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको इसमें फेस होने वाली। द लास्ट एंड द बिगेस्ट निगेटिव ऑफ दिस कार इज भाई कि इसमें आपको अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपको जहां पे अगर आपके आसपास रेनो का सर्विस सेंटर हो तब तो ठीक है, पर जैसे अभी मैं हूँ चित्रकूट में भाई, चित्रकूट में आसपास में 120 किलोमीटर पे अपना इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, झांसी, लखनऊ, सतना, तो आपको इतनी दूर गाड़ी लेके जाना ही पड़ता है, अगर एक छोटी सी भी दिक्कत आ गई तो आपको गाड़ी लेके 300 किलोमीटर तो आपके कहीं नहीं गए आने जाने के, और उस हिसाब से आप अगर देखो तो आप लगभग अपना 2,500-3,000 रुपए का पेट्रोल आपको फूक के जाना ही पड़ेगा। लोकल मैकेनिक इस कार को बना ही नहीं पाते हैं, अभी बीच में इसमें एक इशू आया था कि इसकी जो डिग्गी थी खुलना बंद हो गई थी, मैंने बहुत ज्यादा ये दिखवाया हर तरह के, मतलब जितने भी
होते ना प्रीमियम कार्स जो करते हैं उनको भी भाई दिखवा के देख लिया, पर इस गाड़ी को लोग नहीं बना पाए। लास्ट ये जाके अपने सर्विस सेंटर पे ही बन के वापस आ पाए, तो ये दिक्कत होती है भाई। तो अगर आपके आसपास कोई भी रेनो का सर्विस सेंटर नहीं है तो फिर आप इस गाड़ी को प्रेफर मत करना, क्योंकि जैसे मारुति महिंद्रा ये सब है कि कोई भी बना लेता है, इस गाड़ी के साथ वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।